यकीन नहीं होता तुम सच में घर से भागने वाली हो। अगर वो अच्छी तरह मान जाती तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आसला, आसला, हम घर से बाहर जा रहे हैं और तुम हमारा साथ दोगी, समझ गई? पता नहीं क्या करूं, पर मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम यहाँ रुको, मैं हयात के साथ जाऊंगी। तुम जाओगी तो गाड़ी कौन चलाएगा? अभी उसके EMIs बाकी है और सब जानते हैं तुम कैसी गाड़ी चलाती हो। मुझे पता है कार के लिए अच्छा नहीं है, कार तुम चलाओ, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, समझ गई? हयात यहाँ पर रहेगी, हम दोनों जाएंगे। कोई फायदा नहीं, पता है। बात मानो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मॉम और आंटी बाहर टीवी देख रही हैं और 11 बजे से पहले वो वहाँ से उठने नहीं वाली। ओके, और अगर वो कुछ मांगे तो तुम पहले ही जाके उन्हें दे देना। ठीक है, तुमने एड्रेस ले लिया है क्या? पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। एड्रेस और फोन नंबर मेरी पॉकेट में है, डरने की कोई बात नहीं। ओके, चले हयात, चलो। हयात को बुलाया था ना? हयात तो ना। अब क्या कहना चाहती हो तुम? मेरा मतलब हयात अभी फ्री नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि इफेक को फेस मास्क के कुछ सैंपल्स दिए थे किसी ने, तो वो दोनों अभी इस वक्त वो फेस मास्क लगाकर आराम से लेटी हुई है और इसी वजह से वो आधा घंटा हिल नहीं सकती। देखो, ऐसे कुछ भी मत लगाया करो, इससे चेहरा खराब हो सकता है। अगर कोई एलर्जी हो गई तो चेहरा बिगड़ भी सकता है, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं, ठीक है ठीक है, मैं अंदर जाऊं। थोड़ी देर यहाँ बैठो, जल्दी यहाँ आओ, आओ मेरे पास बैठो। वो किस लिए आंटी? यहाँ आओ, आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची, आओ बेटा बैठो, यहाँ बैठो ना। ओ कितनी स्मार्ट बच्ची है, तुम सबसे स्मार्ट बच्ची हो तो अब मुझे बताओ। मुझे पता है अंदर जरूर कोई खिचड़ी पक रही है उन दोनों में। हयात क्या कर सकती है आंटी, वो किसी और के आइडेंटिटी पे नौकरी कर रही है और जिसका आईडी कार्ड है वो उसके घर गई है उसे मनाने के लिए, और ये सब हयात इसलिए कर रही है क्योंकि आप उसे वापस ना ले जाए और इसलिए वो। इसलिए वो भागी है। तुम बहुत मजाक
अच्छा मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल भी हंसने नहीं वाली, मैं भी नहीं रोक पाई खुद को। मैं भी